बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की मीराबाई कौन जिन्होंने राजपाट त्याग करके संतों के साथ जय हनुमान जाने गुण सागर जय कपीस तू लोक उदार राम दूत रणित वल्लभा अंजनी को आरती में आपकी देखिए
सभी धर्म प्रेमी आस्थावान एवं कथा रसिक एवं घर बैठकर संस्कार चैनल के माध्यम से देख रहे बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से देख रहे आप सभी भक्तों का बागेश्वर श्री राम
के चंगी लाल बढ़िया कोट पहन के मुन्नी माई भी फाउंडेशन पोत कर गई पार्टी में गई। पति ने फिर गाड़ी में समझाया कि तुमसे कोई पूछे कि कौन है साथ में, तो कहते ना ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ। बस उसने कहा बिल्कुल आप चिंता मत करो, सुनो जी अब चार दिन से मूड खराब कर दिया आपने, आप टेंशन मत लो हम यही बोलेंगे। जैसे ही वहां पार्टी में पहुंचे, कई बार ऐसा होता है जो आता है वो भीड़ में भूल जाते, जो आता हो वो कई बार भीड़ में भूल जाता है। जैसे ही सहेलियां आई, माँ की माताएं नजदीक आई, घेर लिया, और बताओ तुम्हारे साथ में कौन आया है, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों भूल गई। इसके दिमाग में जो आया उसने तो ये हमारे हेडपंप है, मैं इनकी पाई। हो गया अर्थ का, अर्थ का नाम क्यों हो गया, अब उसे अर्थ ही पता नहीं, अर्थ पता नहीं तो बनाओ की पीपरे हैं, ये ज्यादा दिन तक काम में नहीं आती। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हम भी अगर कपट का तन लेकर जाएंगे तो हमारा भी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, लेकिन अगर हम परमात्मा की कथा में निर्मल होकर के जाएंगे और आएंगे तो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी को गले नहीं लगाया, इसलिए कपट से बचना चाहिए। अच्छा कपट क्या है, कपट है जो नहीं है वो बनने की कोशिश। कई लोग जो नहीं होते स्टाइल में, बड़ी लंबी स्टाइल वो बनने की कोशिश करते हैं ऐसा वैसा। अरे भाई हमारे पास कुछ दिन पहले एक हमारे बहुत प्रिय मित्र आए, उन्होंने कहा कि आप कई बार बहुत मजाक के मूड में रहते हैं, अब आपको बहुत लाखों लोग देखते हैं, आप थोड़ा गंभीर रहा करो। बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं हम। हमने उनकी बात मान ली, मित्र हमारे बहुत करीबी थे, हमने कहा आपने कहा हम बात मान लेते हैं और हम थोड़ा गंभीर रहेंगे। हम दो तीन जन गंभीर रहे, ऐसे हाथ करें जबरदस्ती की मुस्कान, कोई आदमी आए ऐसे हाथ आई बैठिए, दो तीन बात दिन बाद हमारा जबड़ा दर्द करने लगा। तो वो सामने ही बैठे थे मित्र भी, चेक कर रहे थे हमें, हमका भार में जाएगा तुम्हारी गंभीरता, भार में जाओ तुम, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, ये जबड़ा में दर्द होने लगो कहीं कैंसर ना हो जाए। तो जो बनावटी का प्रयत्न करेगा वो दिख भी जाता है और उसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा अच्छा संकोच है। जितने जैसे ये VIP बैठी, ये VIP खुल के कभी ताली नहीं बजा सकती, नहीं तो इन्हें ये टेंशन होगी कि हम VIP कैसे, इनको कितनी भी ऊंची करोड़ों की बात बोल दो इनकी ताली भी। ये कभी खुल के हंस नहीं सकते, बिल्कुल गाले हम इनके मुंह पे कह रहे हैं, क्योंकि अगर इन्हें लगा कि अगर हम खुल के ठहाका लगा के हंस गए तो आदमी समझे ऐसे नॉर्मल है। ये कभी आओ, आओ ये बैठे रहेंगे पूरी कथा में, थोड़ा खुजाएंगे, थोड़ा थोड़ा मोबाइल खिसकाएंगे बगल वाले से, कहेंगे थोड़ा कान में ऐसी करेंगे जैसे देश का समझौता हो रहा, एक दूसरे के कान है जुबान, और बता टेंट तो छोटो ही लगो, बल्कि ये बात कड़ी चावल की करते हैं महाराज जी, कानों में भी बात कोई इतनी VIP नहीं करते हैं, ये कोई बहुत देश के समझौता, इनकी बातें भी कड़ी चावल की ही होती हैं, और बताओ है? लेकिन इनको डर रहता है कि हम VIP कहते, तो ये इसलिए टेंशन में है, इनकी इसलिए हंसी नहीं निकल रही क्योंकि ये बनावटी हैं। अब ये देखो एकदम 3200 निकली थी सारा, इसलिए बुरा ना मानना, I am very not sorry. लेकिन अरे ते जय बोल के नरक ना भेज दे यार बेटा, क्या विचार है, तो गुरु जी को नरक भेज के ही मानेगा तो अभी तो जय बोल है उन्हें जैसे मेरे चाल लग रहा होते हैं उनके, और पेट्रोल डालने का काम कर रहा तो जैसे तोरे गुरु जी ने तीर मार दिए हैं, जय हो बेटा बैठ जा। तो बुरा ना मानना आप लोग,
हैं, आप लोग सब सज्जन लोग हो, दिल्ली के हो ना, सन्यासी बाबा की। हम बता रहे, ये चाह रहे थे कि कपट में रहने वाला व्यक्ति ससंकित रहता, परेशान रहता, बोझ में रहता, लेकिन जो निर्मल होता है वो एकदम ठहाका लगाकर हंसता है और परमात्मा को पा जाता। और हम नहीं कह रहे, कभी रामायण पढ़ो तो अपनी रामचरितमानस के निर्मल मन जाने सो